हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय संदीप सर। आज के इस वीडियो का टॉपिक आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि अब किताबें खोलकर स्टूडेंट दे पाएंगे एग्जाम, इस बात में कितनी सच्चाई है या इस बात को क्या फर्स्ट टाइम जो हम लोगों को हेडिंग पढ़ने के बाद या थंबनेल पढ़ने के बाद या बहुत सारे आप पेपर अखबार में अभी पढ़े होंगे तो यही ओपन बुक एग्जाम यानी किताबें खोलकर परीक्षा दे पाएंगे छात्र पढ़ने के बाद जो हमारे मन में सबसे फर्स्ट फीलिंग आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में इसी बात को हम लोग सबसे पहले डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस बारे में मैं आपको बता दूँ। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या होती है ओपन बुक एग्जाम या क्यों इसको लागू करने के बारे में चर्चा किया जा रहा है, किसके द्वारा चर्चा किया जा रहा है और इसको अगर सक्सेस किया जाए यानी इसको लागू किया जाएगा तो कैसे इसको लागू किया जा सकता है पूरे भारतवर्ष में, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि बोले किताबें खोलकर अब एग्जाम दे पाएंगे छात्र, इस बात को सुन के एक अलग सा मतलब फीलिंग आता होगा। अगर इस चीज़ को पूरे विस्तार में अगर हम नहीं समझे रहेंगे तो हम लोगों को लगता होगा कितना मजा आ जाएगा कि एग्जाम में जाएंगे, किताबें लेके जाएंगे, किताब खोलेंगे और कॉपी करके छाप लेंगे। लेकिन जितनी आसानी से और जितना जो फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आ रहा है उतनी आसान ओपन बुक एग्जाम होती नहीं। ये तो बिल्कुल सही है कि इसमें आपको किताबें ले जाने की पूरी इजाजत होगी, आप किताबें लेके जा सकते हैं, नोट्स लेके जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना मोबाइल भी लेके जा सकते हैं, गूगल पर सर्च करने का भी आपको पूरी आजादी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर भी दो तरीके का ओपन बुक एग्जाम होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड टाइप और एक होता है फ्री टाइप। रिस्ट्रिक्टेड टाइप में क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी किताबों को और नोट्स को ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे फ्री टाइप की बात किया जाए तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का भी प्रयोग कर सकते हैं और उस सभी के साथ में बैठ के आपको एग्जाम देना होता है। तो फिर इतना एग्जाम जब आसान हो जाता है तो बच्चे पढ़ेंगे क्यों, इसका तर्क आपको जब मालूम चलेगा कि आखिर एक्चुअल में ओपन बुक एग्जाम होता क्या है तब समझ में आ जाएगा। ओपन बुक एग्जाम होता क्या है, इसमें एक्चुअल में जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहाँ पर एनालाइज करना होता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि वैसे क्वेश्चन जो कि आप बचपन से पढ़ते आए या वैसे क्वेश्चन जो कि किताब में लिखा हुआ है जिसको रट के आप एग्जाम देते हैं। जैसे अभी हम लोग आमतौर पर एग्जाम देते हैं, किसी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया जिसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर या होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किए और आराम से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, हमको आराम से नंबर मिल जाता है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे होता है या डेरिवेशन अभी हम पढ़ लिया तो आया कहाँ से, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ी, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्लास से 2-3 से हम लोग को पढ़ाया जाता है, सभी बच्चे नोट रख चुके हैं, लेकिन जैसे ही आपसे बोला जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्चुअली हमको जरूरत पड़ी क्यों, अब एग्जाम में आप बुक लेके गए हैं, गूगल लेके गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके गए हैं, अब इस क्वेश्चन के आंसर आप कैसे देंगे, सोचिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन बुक एग्जाम में। अब रहा बात एक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो चूंकि अभी इतने सारे बेरोजगारी है, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत अभी काफ़ी पीछे चल रही है। इसका रीज़न यही है कि हम लोग अधिकांश से जो भी स्टडी करते हैं उसमें कंसेप्ट तो समझते हैं, लेकिन उस कंसेप्ट को ज़्यादा उतना ही कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं जितनी की किताबों में लिखा गया, उससे बियॉन्ड यानी रिसर्च कैसे किया जाता है इस इतना आगे तक हम लोग नहीं सोच पाते। और ऐसे स्किल डेवलप करने के लिए CBSE ओपन बुक एग्जाम प्लान कर रही है, हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको कुछ स्कूलों में ही रन करके देखा जाएगा नवंबर दिसंबर में, जैसे कि क्लास 9th और 10th के लिए साइंस मैथ और मैथ साइंस को रन करके देखा जाएगा, वहीं 11th 12th के विद्यार्थियों के लिए मैथ इसके अलावा बायोलॉजी को रन करके ये देखा जाएगा। अब रहा बात क्या इससे पहले कभी ये कहीं ट्राई किया गया है, बिल्कुल हाँ, 2014 में ओपन टेस्ट बुक एग्जाम को CBSE के द्वारा ही प्लान किया गया था और उसको कुछ स्कूलों में रन करके देखा गया, हालांकि ये सक्सेस नहीं हो पाया जिसके वजह से 2017 में इसको बंद कर दिया गया। पुनः इसको CBSE प्लान कर रही है नवंबर दिसंबर सेशन में रन करके देखने के लिए। अब रहा बात ये कितना हमारे लिए आसान होगा या टीचर के लिए आसान होगा, तो यहाँ पे इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे कि हम जो भी क्वेश्चन का आंसर, चूंकि यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन है तो मानते किसी क्वेश्चन को देखने का रेफरेंस मेरा अलग हो सकता है, टीचर हो सकता है जिस रेफरेंस में मैं उस बात को लिख रहा हूँ उस रेफरेंस को न समझ के किसी और रेफरेंस में उस क्वेश्चन का आंसर एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे एक समस्या होगी यहाँ पे, यानी टीचर को भी वेल डिफाइंड वहाँ पे पहले से वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी, हालांकि इसको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है लेकिन किसी काम को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत होना स्वाभाविक बात है। क्या इससे पहले कहीं ये ओपन बुक एग्जाम्स अभी प्रेजेंट टाइम में रन हो रहा है या कहीं कंडक्ट किया जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल, जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वहाँ पे ओपन बुक एग्जाम को अलाउ किया गया है 2021 में ही। किसके द्वारा अलाउ किया गया है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा 2021 में ही ओपन बुक एग्जाम को जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ पे कंडक्ट करने का इजाजत दे दिया गया है। कि इसके अलावा और कहीं भी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो जी बिल्कुल सही, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया में, इसके अलावा JNU वगैरह, तमाम ऐसे बड़े यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ओपन बुक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। इतना ही नहीं, भारत जैसे देश को छोड़ दिया जाता है, बहुत सारे जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे एक्चुअल में जितने सारे बड़े यूनिवर्सिटी जहाँ जिनका हम नाम सुनते हैं वहाँ पे एक्चुअल में जो एग्जाम होता है ओपन बुक एग्जाम ही होता है, जहाँ पे आपको किताबें पूरी तरह से किताबें और नोटबुक गैजेट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की आजादी होती है और सभी की हेल्प से आपको क्वेश्चन लिखना होता है। लेकिन फिर बात वहीं आता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल क्वेश्चन रटा मार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी अभी तो कंसेप्चुअल, उसके एनालिटिकल रिसर्च जैसे किया जाता है उस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए और देश के लिए भी आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पे एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिल सकता है। अब रहा बात कि इसके आगे इससे स्टूडेंट और टीचर को क्या फायदे होंगे, तो यहाँ पे फायदे की बात किया जाए तो एक तो यहाँ पे समस्या रहेगी या जो बोले इसमें मुश्किलें जो आने वाली है कि इसका क्वेश्चन फ्रेम करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा और बच्चों के लिए इसका आंसर देना भी चैलेंजिंग होगा। लेकिन क्या किसी बोर्ड एग्जाम लेवल, जैसे अभी हमने बात किया बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में ओपन बुक एग्जाम अलाउ किया गया है और वहाँ पे एग्जाम आसानी से चल भी रहे हैं, लेकिन बोर्ड लेवल के स्टूडेंट के लिए कितने फायदेमंद रहेंगे या कितना प्रभावी रहेगा इसको तो पायलट प्रोग्राम रन करने के बाद ही पता चलेगा। और पायलट प्रोग्राम क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, जब
पूरे जैसे कि सिंपल लॉजिक में हम समझते हैं, जब शादी ब्याह होता है तो खाना बनता है, खाना को सबसे पहले जो भी कुक होता है बनाने वाले या किसी एक आदमी को खाना खिला के टेस्ट कराया जाता है कि इसमें नमक की मात्रा, मसाला की मात्रा, यानी प्रॉपर टेस्ट इसमें है कि नहीं। उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि बाकी सभी लोगों को खिलाएंगे, जब एक लोग दो लोग को खा कर वो टेस्टी लगा या अच्छा लगा, मतलब कि सारे लोगों को हम खिला सकते हैं, या नमक वगैरह कम या ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट करके उसको फिर से टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पायलट प्रोग्राम होगा। पायलट प्रोग्राम का मतलब किसी एक दो स्कूल में या 5-10 स्कूल में सीबीएसई के ये प्रोग्राम रन करके उन बच्चों पर देखा जाएगा, वहाँ पर अगर प्रभावी तरीके से सक्सेसफुल कंडक्ट हो जाएगा तो फिर पूरे सीबीएसई करिकुलम में इसको लागू कर दिया जाएगा। क्या इससे पहले बोर्ड लेवल तक के किसी राज्य या किसी मतलब भारतवर्ष के किसी स्कूल में बोर्ड लेवल तक में ओपन बुक एग्जाम अलाउ है? बिल्कुल जी हाँ, अभी हाल ही में केरला जो राज्य है, केरला राज्य, वहाँ पे हालांकि ये फाइनल एग्जाम अलाउ नहीं किया गया, लेकिन इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है वहाँ पर ओपन बुक एग्जाम को अलाउ कर दिया गया है। तो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, हाँ इससे एक और विद्यार्थी के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जो सरकार जिस पर जोर दे रही है या सीबीएसई करिकुलम जिस वजह से इस प्लान के बारे में सोच रही है, वहाँ एक रीजन यहाँ पे मेन मुख्यतः यह रीजन है यहाँ की कि बच्चों को इतना सारा रटने वाले चीज़ें मिल जाती हैं जिसके कारण वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और इसका कारण आप लोग बहुत सारे अखबार में पढ़ते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहती है। इस वजह से अगर ओपन बुक एग्जाम हो जाएगा तो वहाँ पे स्टूडेंट में काफ़ी स्ट्रेस भी कम देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है, इसको एक मतलब मेडिकल स्टूडेंट एम्स के द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में ही कोरोना जब चल रहा था उस समय ओपन बुक एग्जाम करके कंडक्ट करके देखा गया कि स्टूडेंट को काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, और जो क्लोज बुक एग्जाम जो हम लोग आमतौर पर अभी जो देते हैं उस एग्जाम की तुलना में इस एग्जाम में बच्चे काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे, इस वजह से इसको प्लान किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। बाकी यहाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।